hello everyone in today's video we will discuss the indian monsoon last video we have discussed about the coriolis force the jet streams and about the various types of jet stream in which we have discussed two jet stream one which is flow uh, between 27 degree latitudes to 30 degree latitudes which is westerly jet stream flows from the west direction and another one which flows over indian peninsula during summer um, at 14 degree north latitude which flows from east side which is also known as tropical easterly jet stream so far we have discussed tropic, uh, subtropical westerly jet stream and tropical easterly jet stream now we are going to discuss about the indian monsoon indian monsoon firstly लेटेस्ट नो वट डज द मानसून मीन्स एंड फ्राम वेयर डज दिस वर्ड कम फ्राम कम ओके ओके देखिए इंडियन मानसून क्या है सबसे पहले हम मानसून वर्ड समझेंगे कि कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है और क्या मतलब होता है इसका क्लाइमेट ऑफ इंडिया इंडिया का जो क्लाइमेट है ये मानसून विंड से सॉरी फॉर दिस मानसून विंड से इंफ्लुंसड है अब मानसून विंड्स कहने का मतलब क्या है क्या होता है मानसून विंड हम लोग इस चीज़ को समझेंगे ओके okay. हमारा फोकस कहाँ रहेगा मॉनसून विंड्स के ऊपर क्योंकि हमारा क्लाइमेट इंडिया का किससे अफेक्टेड है मॉनसून विंड से द सेलर्स सेलर बोलते हैं जो नाव चलाते हैं है ना द सेलर्स हु केम टू इंडिया जो भी सेलर इंडिया आए इन हिस्टोरिक टाइम्स पुराने ज़माने में वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फेनोमेना ऑफ द मानसून ये वो लोग थे जिन्होंने पहली बार मानसून का फेनोमेना एक्सपीरियंस किया मतलब मॉनसून विंड्स को एक्सपीरियंस किया तो आखिर ऐसा क्या होता है मॉनसून विंड कि भाई वो लोग उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया सेलर्स लोगों ने और किसी का तो एग्जांपल नहीं दिया यहाँ पर सेलर्स का एग्जांपल दिया अर्लियर टाइम में आपको पता होना चाहिए एयर ट्रांसपोर्ट नहीं था तो वाटर ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट था आपका शिप बोट है ना इसलिए यहाँ पर सेलर का एग्जाम्पल दिया इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा दे नोटिसड सॉरी दे बेनिफिटेड फ्राम द रिवर्सल ऑफ़ द विंड सिस्टम अब देखिए जो मानसून वेंड की आप बात करे थे मानसून वेंड बेसिकली है क्या यह रिवर्सल है विंड सिस्टम का रिवर्सल मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि जनरली क्या होता है कि इधर हिमालय के साइड से हिमालय के नॉर्थ से इस वाले एरिया से आप देख आ, आपका विंड जो है वो फ्लो करता है इंडियन ओशन की तरफ है ना इंडियन ओशन की तरफ ये नॉर्मल सिचुएशन होता है लेकिन एक ईयर के पर्टिकुलर किसी सीजन के टाइम पर क्या होता है ये विंड जो है आपका ये विंड जो है ये साउथ इंडियन ओशन से किधर बहने लगता है हिमालय के नॉर्थ की तरफ तो यही क्या हो गया रिवर्सल नॉर्मली किधर से किधर आ रहा था नॉर्मली आ रहा था ऊपर से नीचे की तरफ विंड है ना जनरली ये हो रहा था लेकिन जब एक सीज़न आया पर्टिकुलर सीज़न के टाइम पर ये विंड का डायरेक्शन जस्ट चेंज हो गया अब ये इंडियन ओशन से हिमालय की तरफ फ्लो करने लगा तो यही जो रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम ना यही जो विंड जो रिवर्स किया इसी विंड को इसी जो नीचे से ऊपर जाने वाली विंड्स है इसी को कहा गया है मॉनसून विंड और इसी मॉनसून विंड से आपके इंडिया का जो क्लाइमेट है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है प्रभावित होता है अफेक्टेड होता है तो द अरब्स हु हैड ऑल्सो कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स नेम्ड दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ़ द विंड सिस्टम मानसून तो पहले तो लोग इसको रिवर्सल ही कहते थे कि रिवर्सल है विंड सिस्टम का लेकिन जब अरब्स हमारे यहाँ हैं तो उन्होंने इस रिवर्सल सिस्टम को इस रिवर्सल विंड सिस्टम को एक नाम दे दिया जो कि है मानसून सो आई होप सो अब आपको क्लियर होगा मानसून क्यों नाम पड़ा मानसून है क्या तो मानसून बेसिकली रिवर्सल है विंड सिस्टम का और मॉनसून नाम दिया है अरब्स ने है ना अरब्स भी बोट के थ्रू जैसे आप देखोगे कि इंडिया का ये वाला पार्ट है इसके बगल में आप देखोगे कि पूरा आपको मिलेगा वेस्ट एशिया जहाँ पर है सऊदी अरब और अरब्स जो हैं वो सऊदी अरबिया के रहने वाले हैं तो ये आए पानी में पानी के थ्रू ये इंडिया में इंटर कर गए तो इंडिया में कैसे इंटर कर पाएँ क्योंकि नीचे से हवा चल रहा था ऊपर की तरफ है ना अगर यही सिस्टम उल्टा होता ऊपर से हवा नीचे की तरफ़ चलता जो नॉर्मल टाइम में चलता है तो ये लोग इंडिया नहीं पहुंचते बल्कि नीचे इक्वेटर से क्रॉस करके दूसरे जगह चले जाते हैं है ना इंडियन ओशन में चले जाते हैं लेकिन इन लोग को बेनिफिट हुआ कि ये लोग जैसे ही अपना बोट लेकर हमारे तरफ आए ठीक है तो इनको हेल्प मिल गया विंड का और विंड के थ्रू ये लोग क्या हो गए हमारे इंडिया में आ गए अरब्स लोग तो इसलिए उन्होंने इस विंड का नाम दे दिया मानसून आई होप आपको समझ में आया होगा देखिए जो हमने वेस्टर्ली और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ा था उसको हम कंक्लूड कर लेते हैं आपको मैंने बताया था कि पूरे पूरे के पूरे साल भर में सिर्फ समर के अलावा ये जो आपका जेट स्ट्रीम है ये हिमालयस के साउथ में फ्लो करता है साउथ से फ्लो करता है है ना 27 से 30 डिग्री के बीच में लेकिन यही क्या है कि जब ठंडी आ जाती है ठंडी आ जाती है तो ये आपके हिमालयस के हिमालयस के नॉर्थ साइड में फ़्लो करने लगता है आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ है ना दिख रहा होगा आपको अच्छा ये सिर्फ ऊपर तो, की तरफ नहीं सिर्फ इंडिया की तरफ नहीं बल्कि नीचे भी जेट स्ट्रीम जो है ठंडे वाले एरिया में यहाँ भी फ़्लो करता है ठीक है यहाँ भी जेट स्ट्रीम दोनों जगह फ्लो करता है ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है ठीक अब बात करें हम कि गर्मी के टाइम पे क्या होगा ये जो आपको इमेज यहाँ दिख रहा है ये जनवरी का टाइम का है जिस टाइम पे ठंडी होती है गर्मी नहीं होती है तो ठंडी के टाइम पे तो हमने देख लिया कि हिमालय के साउथ से मतलब हिमालय के नीचे से ये हवा जो है बहती हुई जा रही है और यहाँ भी हमने देख लिया कि नीचे साइड से जा रही है ठीक है अब बात करें कि जून के टाइम पर क्या होता है जून मतलब गर्मी के टाइम पर क्या होता है तो गर्मी के टाइम पर हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो वेस्ट आपका जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो हिमालय से हिमालय से ऊपर चला जाता है इधर नॉर्थ की तरफ चला जाता है तो देखो ये जा रहा है इधर नॉर्थ की तरफ है ना वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और यहाँ पर क्या है कि आपके फोटीन डिग्री आपके फोटीन डिग्री इंडियन पेनिनसुला पर कौन सा आता है जेट स्ट्रीम आता है इस्टरली जेट स्ट्रीम आप देख सकते हो डायरेक्शन है ना ईस्ट की तरफ से जा रहा है आप डिवाइड करोगे तो इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है तो ईस्ट की तरफ से जा रहा है देखो आगे की तरफ मुंह ऐसे बनाया हुआ है, है ना एरो एरो का साइन है तो ये जो ट्रॉपिकल इस्टरली जेट स्ट्रीम है ये भी कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के मानसून हमारे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है अच्छा ये देखो आप ये रिवर्सल स्टार्ट हो गया है ना रिवर्सल अच्छा यहाँ भी आप देखो जब गर्मी नहीं आई है ठंडे का टाइम है तो देखो नॉर्मल सिचुएशन क्या है कि ऊपर से नीचे आ रहा है है ना अच्छा अरेबियन सी किन के नाम पर है इन अरब्स के नाम पर है अरेबियन सी ठीक है और इंडिया के नाम पर है इंडियन ओशन तो देखिए नॉर्मल सिस्टम ये होता है हवा का है ना ऊपर से नीचे की तरफ आना जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है ना ये नॉर्थ और ये ईस्ट और ये बीच वाला हो गया नॉर्थ ईस्ट तो देखो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट और चूंकि ये विंड्स ट्रेड में यूज़ किया जाता है ट्रेड के पर्पज़ से सेलर लोग यूज़ करते हैं इस हवा का फ़ायदा उठाते हैं तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और ये नीचे आप देख रहे हो हवा है ना ऐसे आप ड्रॉ करो साउथ ये ईस्ट ये साउथ ईस्ट तो देखो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन से यह जा रहा है तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड अब ये सरफेस विंड है आपका सरफेस विंड है ठीक है क्या है सरफेस विंड और ये जो आपका जेट स्ट्रीम दिख रहा है ये अपर एयर सर्कुलेशन है आई डोंट थिंक ये सरफेस विंड और अपर एयर सर्कुलेशन अब डिफाइन करने की जरूरत है क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि क्या होता है सरफेस विंड और क्या होता है अपर एयर सर्कुलेशन स्टिल अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप वो पहली वाली जो वीडियो है फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर फोर की वो आप देख लीजिएगा ओके okay. तो ये हो गया आपका यही चीज़ आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर कोई आपको ट्रेड विंड नहीं दिखेगी बल्कि रिवर्सल दिखेगा जो आपको जो साउथ ईस्ट की तरफ से साउथ ईस्ट की तरफ से जो जा रही थी हवा है ना जैसे ही आपको नॉर्थ आपके जो इक्वेटर है इक्वेटर को पास करती है इक्वेटर को पास करती है तो इसको सीधे जाना चाहिए था लेकिन कोरियोलिस फोर्स की तरफ से वजह से जो भी चीज़ जो भी हवा नॉर्दर्न हेमस्फेयर में वो राइट साइड मूव कर जाती है राइट साइड तो इस एरो का राइट साइड था ये तो देखो राइट साइड मूव कर गई है ना जाना जो सीधे चाहिए था लेकिन राइट साइड मूव कर गई ठीक है तो ये हो गया आपका रिवर्सल दैट इज़ मानसून ये हवा क्या हो गई मानसून विंड हो गई नाम किसने दिया अरब वालों ने दिया नाम मानसून विंड ठीक है चलिए जो मानसून का फेनोमेन है ये सिर्फ और सिर्फ आपको ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ से ट्वेंटी डिग्री साउथ के बीच में ही दिखेगा ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ आपको महाराष्ट्र वाला एरिया एंड 20 डिग्री साउथ आपको ब्राज़ील यानी कि साउथ अमेरिका चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ का है ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे और ट्वेंटी डिग्री साउथ यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया की ये वाला हिस्सा मदागास्कर, हाँ ये मदागास्कर से ले लेते हैं ये मदागास्कर है ठीक है यहाँ है महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र ट्वेंटी डिग्री साउथ नॉर्थ से लेकर मदय ट्वेंटी डिग्री साउथ तक इस बीच में आपको देख सकते हो विंड भी तो इतना ही में दिख रहा है ना आपको विंड भी इतना ही में दिख रहा है यहाँ पर आपको मानसून जो है इफ़ेक्ट करती है इफ़ेक्टिव होती है इस एरिया में मानसून आपको इफेक्टिव होती है तो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड पर पूरे वर्ल्ड पर जितना भी ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ है और जितना भी ट्वेंटी डिग्री साउथ है उसके बीच में क्या है आपको मानसून इफेक्ट करता है इफेक्टिव होता है ये आपको समझ में आ गया ठीक अब हम लोग बात करते हैं मेकेानिज़म की मानसून का मेकेनिज़म क्या होता है कैसे मानसून जनरेट होता है द डिफ्रेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया वाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली हाई प्रेशर देखिए मान लीजिए ये ज़मीन और ये है पानी और यहाँ पर पड़ रहा है धूप तो देखिए क्या होता है कि ज़मीन जल्दी गर्म हो जाता है ज़मीन गर्म होगा तो इसके ऊपर से हवा जो है ऊपर उठने लगेगी तो जो हवा ऊपर की तरफ जाती है उसको हम बोलते हैं करेंट तो यहाँ ज़मीन के ऊपर से जो हवा थी करेंट के फॉर्म में ऊपर चली गई तो यहाँ पर हवा हो गया ख़त्म जिसकी वजह से ज़मीन पर क्रिएट हुआ लो प्रेशर इसके कंपैरिजन में पानी देर से गर्म होता है इसी वो कहते हैं डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग पानी देर से गर्म होता है देर से गर्म होता है तो ये अभी मतलब तो जिस टाइम पर ये गर्म हो गया ये उस टाइम पर गर्म नहीं हुआ ये रात में जनरली पूरा हीट दिन भर लेता है और रात में गर्म होता है आपका पानी इतना लंबा टाइम ले लेता है तो उस टाइम पर पर्टिकुलरली क्या होता है पानी के ऊपर पानी अभी ठंडा हो रहा होता है दिन के टाइम में दिन के टाइम में पानी जिस टाइम पर धूप इस पर पड़ रहा है ठंडा हो रहा होता है ठीक है ठंडा रहता है अगर जनरली फेनोमेना की बात की जाए तो दिन भर इस पर हीट पड़ेगा और ये शाम से पानी जो है आपका गर्म होना क्योंकि आप देखिएगा पानी चढ़ाइए और खोलाने के लिए भी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है खोलने में अगर उसी का कंपैरिजन में आप अगर एक सिसपेन रख दीजिएगा खाली सिसपेन ज़मीन मानकर चलिए सिस्पेन को तो सिस्पेन देखिएगा तुरंत गर्म हो जाएगा लेकिन पानी देर से खोलेगा है ना तो पानी को गर्म होने में टाइम लगता है तो शाम हो जाता है पानी को गर्म होते होते और फिर ठंडा होने में भी टाइम लगता है तो ठंडा होते होते सुबह हो जाता है पूरा दोपहर हो जाता है सुबह का पानी को ठीक है तो पानी पर जनरली ठंडा होने की वजह से हाई प्रेशर रहता है दिन के टाइम पर ठीक और ज़मीन पर लो प्रेशर रहता है यही रात में उल्टा हो जाता है ज़मीन ठंडा हो जाता है तुरंत तो ज़मीन पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और पानी रात में गर्म हो जाता है क्योंकि दिन भर इसने हीट एब्ज़ॉर्ब किया तो रात में पानी लो प्रेशर क्रिएट करता है आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा दिन के टाइम अगर नहीं भी दिमाग में अट रहा है तो इस चीज़ को याद रखिएगा दिन में हवा जो है पानी से ज़मीन की तरफ बहेगा और रात में हवा जो है ज़मीन से पानी की तरफ तो दिन में चलेगा सी ब्रीज़ और रात में चलेगा लैंड ब्रीज़ ठीक अब देखिए ज़मीन पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया है और पानी पर हो गया है हाई प्रेशर क्रिएट तो हवा जो है पानी से ज़मीन की तरफ मूव करेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो जमीन पर क्रिएट हुआ है लो प्रेशर पानी पर है हाई प्रेशर तो आप देखो पानी जो है सॉरी जो विंड जो है वो पानी से जा रहा है किधर ज़मीन की तरफ पानी से जा रहा है ज़मीन की तरफ ठीक है नंबर टू फैक्टर सेकेंड फैक्टर क्या है शिफ्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ इंटर ट्रापिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर ओवर द गंगा प्लेन दिस इज इक्वेटोरियल ट्राफ नॉर्मली पोजिशन अबाउट फाइव डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मानसून ट्राफ ड्यूरिंग द मानसून सीजन देखिए अगर बात की जाए आई टी सीजट की तो आप यहाँ पर इक्वेटर देख सकते हो ये ज़ीरो डिग्री पर आप इक्वेटर देख सकते हो ठीक इस इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर पाँच डिग्री नॉर्थ पर जो कि आपका इक्वेटोरियल रीज़न कहलाता है यहाँ पर एक कन्वर्जेंस जोन होता है कहने का क्या मतलब है देखिए मैं आपको समझा देता हूँ इधर जनवरी जिस टाइम मॉनसून नहीं आया उस टाइम के एग्ज़ाम्पल से लेकर समझाता हूँ मॉनसून आता है आपको जून के टाइम पर गर्मी में तो ठंडे में मॉनसून नहीं आता है ठंडे में आपका आई टी सीजेड इक्वेटर पर रहता है अब देखिए क्या हो गया ऊपर से जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आ रहा है नीचे से जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आ रहा है दोनों क्या होता है इक्वेटर पर दोनों कन्वर्ज करता है मिलता है ठीक है दोनों इक्वेटर पर मिलता है और दोनों हवा मिलकर फॉर्म करता है एक एक आप कह सकते हो एक एक बेल्ट फॉर्म करता है एक बेल्ट फॉर्म करता है हवा का एक मोटा सा बेल्ट फॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं आई टी सीजेड ठीक है ITCZ, तो यहाँ पर इक्वेटर पर दोनों हवा ऊपर से और नीचे से आकर कन्वर्ज होते हैं और इस एरिया को कहते हैं हम लोग इंटर ट्रॉपिकल अब देखिए इंटर ट्रॉपिकल क्यों कहा है क्योंकि ये जो बेल्ट है ये हमेशा ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन इसी के बीच रहता है इससे बाहर नहीं जाता ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा बस इसी के बीच रहेगा ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इसी के बीच रहेगा ठीक है इसलिए इसको इंटर ट्रॉपिकल कहा गया और कन्वर्जेंस इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर ऊपर से आने वाली हवा और नीचे से आने वाली हवा दोनों आकर कन्वर्ज होती है मिलती है ठीक और जोन मतलब एरिया तो जनरली ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इक्वेटर के पास रहता है पाँच डिग्री पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लेकिन जब मानसून स्टार्ट होता है मानसून स्टार्ट होता है तो ये आपका गंगा प्लेन जो है सॉरी गंगा प्लेन जो है गंगा प्लेन यानी कि हिमालय के साउथ वाला पार्ट हिमालय के साउथ वाला पार्ट गंगा रिवर के पास वाला पार्ट ठीक है यहाँ पर आ जाता है आपका आई टी ट्रॉपिकल एरिया के पास ठीक तो जब गर्मी होगा सॉरी हाँ जब गर्मी होगा गर्मी होगा धूप आपके नॉर्दर्न एमोस्फेयर की तरफ रहेगा तो ये आई टी सीजेड आ जाएगा ऊपर की तरफ गंगा प्लेन की तरफ और जब ठंडा होगा तो ये आई टी सीजेड रहेगा आपके आ, इक्वेटर पे, ठीक <coughs> इसी को मॉनसून ट्रफ भी कहा जाता है आई टी को ही अगर कोई पूछे व्हाट इज मॉनसून ट्रफ तो कहिएगा आई टी सी इज नोन एज मॉनसून ट्रफ ठीक चलिए अब बात करते हैं हाई प्रेशर एरिया की अच्छा ये आ, ये अफेक्ट कैसे करेगा ये तो हमने जाना ही नहीं आई टी कैसे अफेक्ट करेगा ये देखिए हमने अभी बात किया कि हाई प्रेशर जनरेट होगा ज़मीन पर है ना तो ये आई टी है क्या आई टी आई टी आपका देखिए कन्वर्जेंस जोन है ना कन्वर्जेंस जोन तो देखिए क्या होता है कि ऊपर से ठंडा हवा आता रहता है ऊपर से ठंडा हवा आता है और नीचे से ये सॉरी सॉरी हाँ यहाँ पर जब धूप पड़ रहा है आपके इंडिया पर तो वहाँ पे गर्म हवा जो है लो प्रेशर जो है क्रिएट हो रहा है क्या हो रहा है लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो लो प्रेशर ऊपर से और नीचे से आपका ये जा रहा है हाई प्रेशर का हवा और दोनों यहाँ पर मीट करेगा मीट करेगा तो इसलिए वहाँ पर क्या बनेगा कन्वर्जेंस जोन ठीक ऊपर से गर्म हवा लो आ, लो प्रेशर का जो आपका हवा है वो और नीचे से ये ठंडा हवा दोनों यहाँ पर मीट करेगा दैट इज योर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कन्वर्ज करेगा तो हो गया तिब्बतन प्लेटू लो प्रेशर क्रिएट करता है और आपका ये इंडियन ओशन हाई प्रेशर क्रिएट करता है हाँ आ, जहाँ पर कन्वर्ज होगा दैट इज़ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बात खत्म <coughs> अभी यहाँ पर इंटर ट्रॉपिकल के बारे में भी दिया हुआ है वो भी आप देख सकते हो कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है क्या इट इज़ अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ़ लो प्रेशर ये एक बड़ा सा एकदम कन्वर्जेंस जोन होता है मतलब हवा जो है यहाँ पर ऐसे करके मिलता है ये होता है ट्रफ ट्रफ वाला फिगर कौन सा हवा मिलता है लो प्रेशर का ठीक है इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स इक्वेटर के पास जो लो प्रेशर एरिया होता है देखिए क्या होता है मान के चलिए हम लैंडस्केप में एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं ठीक है थीके? मान के चलिए ये आपका इक्वेटर है यहाँ से तो हवा ऊपर चला गया हवा ऊपर चला गया अब यहाँ क्या हो गया लो प्रेशर क्रिएट हो गया अब लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो यहाँ पर ठंडी हवा आएगी ना ठंडी हवा आएगी सब तरफ से ठीक ठंडा हवा आएगा इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा सब तरफ से ठंडा हवा आएगा तो यहाँ पर सारा हवा आकर क्या करेगा मिलेगा आपस में उसी को हम कहते हैं कन्वर्जेंस जोन और चूंकि ट्रॉपिक के बीच में तो इंटर ठीक है तो देखिए लो प्रेशर का एरिया है लो प्रेशर के एरिया में इक्वेटर वाले लैटीट्यूड्स में एक मोटा सा हवा का परत बनता है जिसको हम कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बेसिकली ये एरिया है और दिस इज़ वेयर यही वो एरिया है जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मतलब ऊपर से आने वाली हवा और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड नीचे से आने वाली हवा दोनों विंड्स आकर कन्वर्ज हो जाती है मिल जाती है ऐसे करके ऐसे ठीक है एक विंड ऐसे में आपको दिखा सकता हूँ टू में कि एक विंड ऐसे आया और एक विंड ऊपर से ऐसे आया और ये विंड जो है दोनों आपस में ऐसे ऐसे करके एक ट्रफ बना लिया अपना ठीक दिस कन्वर्जन जोन लाइज मोर और लेस पैरल टू द इक्वेटर बट मूव्स नॉर्थ और साउथ अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन अब देखिए ये आपका अर्थ है ये है आपका सन आपका अर्थ पता होगा आपको तेईस डिग्री पर झुका हुआ है, है ना तो ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिसफेयर और ये हो गया आपका साउदर्न हेमोसफियर क्या होता है जनरली गर्मी के टाइम पर अर्थ जो है अर्थ का जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है वो सामने होता है सन के है ना डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है सन के तो इसके वजह से क्या है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में चला जाता है ठंडे के टाइम पर यही कंडीशन जो है उल्टी हो जाती है ठंडे के टाइम पर यही कंडीशन उल्टी हो जाती है नॉर्दर्न हेमिसफेयर और ये साउदर्न हेमिसफेयर ठंडे के टाइम पर जो सन है आपका वो साउदर्न हेमिसफेयर के कॉन्टैक्ट में हो जाता है ठीक जिसके वजह से आई टी हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिसफेयर की तरफ चली आती है तो ये नॉर्थ और साउथ की तरफ मूव करती रहती है ये आपकी आई टी ये जोन जो है कन्वर्ज होने वाला जोन एरिया ठीक है डिपेंड करता है सन के मूवमेंट पर याद रहेगा ये चीज़ चलिए अब नेक्स्ट है आपका द तिबेतन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर विच रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करेंट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेटू एट अबाउट नाइन किलोमीटर अबव सी लेवल देखिए बात की गई है प्लेटू की प्लेटू, की। प्लेटू क्या होता है ये है प्लेन्स अब प्लेन की प्लेन्स के कंपेरिजन में जब आप देखेंगे ये आपका प्लेन्स हो गया प्लेन्स के कंपेरिजन में आप देखेंगे ऐसा वाला ज़मीन कहीं भी कि एक तरफ से स्लोप है बीच में पूरा फ्लैट और फिर दूसरा स्लोप या नहीं तो एक तरफ से स्लोप होना चाहिए और बीच में फ्लैट तो ये जो अपलैंड आपको दिखेगा ऊपर वाली जमीन जो आपको दिखेगी इस वाले ज़मीन को कहेंगे प्लेटू तो लगभग नाइन किलोमीटर मान के चलिए ऊपर तिब्बत का प्लेटू है मतलब तिब्बत की ज़मीन जो है वो प्लेन्स से प्लेस जिसको हम सी लेवल के तौर पर कंसीडर कर लेते हैं तो सी लेवल से नाइन किलोमीटर ऊपर जो तिब्बतन प्लेटू है वो जो है गर्मी के टाइम पर गर्म हो जाती है तो ये सरफेस गर्म होगा तो इसके ऊपर का हवा भी गर्म होगा और हवा क्या होगा करंट के फॉर्म में ऊपर चला जाएगा अगर तो आपको करंट और विंड समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक चीज़ को याद रखिएगा जो हवा वर्टिकली चलती है ऊपर की तरफ उसको करेंट बोलते हैं जो हवा हॉरिजेंटली चलती है ज़मीन के सरफेस के तरफ उसको हम कहते हैं विंड ठीक तो ये करंट के फॉर्म में ऊपर चला जाएगा अब वहाँ पे होगा लो प्रेशर क्रिएट अब जब वहाँ पर ये तिब्बतन प्लेटू में तिब्बतन प्लेटू में जब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा कि सारा हवा उसके तरफ खींचा चला जाएगा ठंडे वाला हवा है ना? ऊपर से भी ठंडे एरिया से हवा वहाँ पर आएगा और दोनों हवा मीट करेगा और बनाएगा आई टी सीजेड यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बाबू ये मेरे पास मोबाइल है बोर्ड तो है नहीं इसलिए थोड़ा बहुत जो है मेरा ड्राइंग ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन फॉर एन ईज़ी कॉन्सेप्ट मैं आपको हर चीज़ें ओवरली समझा रहा हूँ कि आ, कैसे करंट मूव करेगा कैसे कहाँ पर कन्वर्जेंस जोन बनेगा डिग्री के साथ भी मैं आपको बता रहा हूँ तो आप कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा और कुछ चीज़ों को जो जैसे कि मेरा ड्राइंग थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है स्क्रीन की वजह से तो उसको इग्नोर कीजिएगा ठीक है नेक्स्ट है फाइव नंबर फिफ्थ मेकेज़म ऑफ मानसून द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये देखिए वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो मैंने आपको पढ़ाया था वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या होता है हिमालय के नॉर्थ में चला जाता है समर के टाइम पर बताया था मैंने आपको कि ये हिमालय है ऐसे जनरली क्या होता है कि यहाँ साउथ में होता है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो मैंने आपको दिखाया भी स्टार्टिंग में फ़ोटो में और जब गर्मी का टाइम आता है गर्मी का टाइम तो ये जेट स्ट्रीम शिफ्ट हो जाता है हिमालयस के नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ बहने लगता है ठीक और ट्रॉपिकली ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ये भी मैंने आपको दिखाया कि 14 डिग्री पर 14 डिग्री पर यहाँ पर आपका ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है फ़्लो करता है गर्मी के टाइम पर वो वो वाला चल जाता है जेट स्ट्रीम ऊपर हिमालय के नॉर्थ की तरफ और ये स्टर्ली वाला फोटी डिग्री पर फ्लो करने लगता है है ना पेनिनसुला के ऊपर तो ये भी एक फैक्टर है ये भी एक मेकेनिज़म है आपके मानसून का आई होप पाँचों मैकेानिज़म आपको समझ में आया होगा मानसून का पाँचों मैकेज़म मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है फिर भी अगर कोई अगर प्रॉब्लम लगे तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिएगा और मोस्ट रिकमेंडिंग चीज़ है कि आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए पूरा कॉन्सेप्ट ये क्लाइमेट चैप्टर जो है थोड़ा सा टफ तो है समझने में लेकिन अगर आप एक प्रॉपर वे में अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को आप ध्यान से रिकॉग्नाइज uh, करने की कोशिश करते हैं लेटिट्यूड्स वगैरह लॉन्गिट्यूड्स हर चीज़ों को आप माइंड में रखेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत सिंपल होने वाला है ओके अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ ऑल्सो बीन नोटिस्ड दैट चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशन ओवर द साउदर्न ओशंस ऑल्सो अफेक्ट मानसून अब देखिए क्या है कि इन पाँच मेकेनिज्म के अलावा जो साउदर्न ओशन है साउदर्न ओशन है ये भी कही कहीं ना कहीं मानसून को अफेक्ट करता है अच्छा एक चीज़ तो मैंने यहाँ आप पर आपको शायद डील नहीं की ये मेदगैस्कर वाला हाई प्रेशर एरिया डेवलप होने वाला हाँ देखिए ये आपका ये है मेदगैसकर। ये मेदगैस्कर है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बगल में मेदगैस्कर आपको दिखेगा इसके ईस्ट साइड यानी कि ईस्ट ये वाले साइड में आपको साउदन इंडियन ओशन है इंडियन ओशन पर हाई प्रेशर डेवलप होता है गर्मी के टाइम पर क्यों क्योंकि गर्मी के टाइम पर सन जो है वो नॉर्दर्न हेमिसफेयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है तो साउदर्न हेमिसफेयर से सन की दूरी ज़्यादा होती है जिसके वजह से साउदर्न हेमिसफेयर में धूप नहीं आ पाता है तो यहाँ पर गर्मी नहीं होती है ठंडी होती है और ठंडी के वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है अब हाई प्रेशर का हवा देखिए अब मूव किधर कर रहा है लो प्रेशर की तरफ तो यही हो गया प्रेशर डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा और यहाँ ऊपर में नॉर्दर्न वाले साइड पे प्रेशर कम तो हवा जो है साउदर्न से यानी कि हाई प्रेशर वाले एरिया से चलेगा नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि लो प्रेशर एरिया की तरफ यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है परफेक्ट आपको डिग्री भी दे दिया है कि कितना डिग्री लैटिट्यूड पर आपको देखना है ओके चलिए ये मैंने आपको प्रेशर कंडीशंस भी समझा दिए डिफरेंस चेंज जो हुआ प्रेशर कंडीशन में है ना साउदर्न ओशियन में डेवलप हुआ हाई प्रेशर नॉर्मली वन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंसिस हाई प्रेशर अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं साउदर्न ओसीलेन को तो आपके माइंड में वर्ल्ड मैप होना चाहिए वर्ल्ड मैप पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर हम लोग इसके ऊपर भरेंगे देखिए वर्ल्ड मैप को जब आप ओपन करिएगा तो आपको कुछ इस तरह से वर्ल्ड मैप देखने को मिलेगा इधर आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका नीचे में आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका इस साइड आपका पैसिफिक ओशन है है ना उसके बाद इस साइड है आपका एटलांटिक ओशन एटलांटिक स्टार्ट करते हैं नंबर वन पैसिफिक ओशन नंबर टू अमेरिकन कॉन्टिनेंट नंबर थ्री एटलांटिक ओशन और एटलांटिक ओशन के बाद आपको ऊपर में यूरोप नीचे अफ्रीका इधर आपको पूरा का पूरा एशिया मिल जाएगा देखने को है ना एशिया दुबई सब मिलाकर उसके बाद आपको नीचे में इंडियन ओशन देखने को मिलेगा फिर इधर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर आ जाएगा आपका पैसिफिक ओशन हमने बीस से पार्ट में डिवाइड कर दिया है सॉरी फॉर दिस हमने बीस से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है वर्ल्ड मैप को इस साइड वाला वेस्टर्न और इस साइड वाला ईस्टर्न हेमोस्फियर ठीक ये ईस्टर्न हेमिसफेयर हो गया ये वेस्टर्न हेमिसफेयर हो गया तो ईस्टर्न साइड भी पैसिफिक ओशन का कुछ पार्ट्स है और वेस्टर्न साइड भी पैसिफिक ओशन का कुछ पार्ट है अब आप इस चीज़ को माइंड में रखिए नॉर्मली क्या कह रहा है वेद द ट्रॉपिकल जब भी ट्रॉपिकल की बात होगी तो आपके माइंड में बस ये होना चाहिए ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉल के बीच के एरिया ये आपके माइंड में होना चाहिए तो ट्रॉपिकल ईस्टर्न अब देखिए साउथ पैसिफिक ओशन की बात की गई है ये ऊपर में आपको है नॉर्थ अमेरिका और नीचे में है आपको साउथ अमेरिका तो साउथ अमेरिका और ये देखिए पैसिफिक ओशन है ना तो ऊपर वाला कहलाता है नॉर्थ पैसिफिक ओशन नीचे वाला कहलाता है साउथ पैसिफिक ओशन तो साउथ पैसिफिक ओशन की बात कर रहा है और ये ईस्टर्न साइड का बात कर रहा है ईस्टर्न साइड मतलब इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है ना इंडिया के बाद उसके इधर में जो मैंने आपको अभी वर्ल्ड मैप में बना कर दिखाया पैसिफिक ओशन तो इसका ये साउथ वाला पार्ट ठीक है साउथ पैसिफिक ओशन तो क्या कह रहा है कि आमतौर पर वेन ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर जब ये जो आपका ये इंडिया हो गया इधर आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया इधर हो गया साउथ पैसिफिक ओशन तो जब यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो इंडियन ओशन में लो प्रेशर क्रिएट होता है इंडियन ओशन यहाँ वाला पार्ट यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है ठीक तो जब आपका साउथ पैसिफिक में हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ पर क्रिएट होगा लो प्रेशर तो बताइए हवा का मूवमेंट किधर से किधर होगा हाई से लो की तरफ होगा है ना पानी भी इधर ही मूव करेगा आपका पानी आपको पता ही कि हवा मूव कराती है पानी को अपने साथ तो पानी भी इधर ही मूव करेगा हाई से लो की तरफ है ना क्योंकि हवा इधर मूव कर रहा है तो हवा पानी को भी ले आएगा इधर एनीवेज खैर हमारा कंसर्न ये है कि हवा जो है जब साउथ पैसिफिक ओशन में ट्रॉपिकल ईस्टर्न साइड पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो इंडियन ओशन में लो प्रेशर क्रिएट होता है ठीक लेकिन कुछ साल ऐसा भी होता है सर्टेन ईयर्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये चीज़ें रिवर्स हो जाती है मतलब कि ये जो आपके ये ऑस्ट्रेलिया के बाद ये जो आपका साउथ पैसिफिक ओशन है साउथ पैसिफिक ओशन जहाँ पर पहले आपका हाई प्रेशर क्रिएट होता था और ये जो इंडियन ओशन है जहाँ पर आपको पहले लो प्रेशर क्रिएट होता था ये चीज़ें चेंज हो जाती है मतलब इंडियन पोश इंडियन ओशन में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और इधर साउथ पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो क्या हुआ कि चीज़ें रिवर्स हो गई उल्टी हो गई है ना तो जो हवा पहले हाई से लो इधर तरफ आता था मतलब साउथ पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन की तरफ आता था अब वही हवा इंडियन ओशन से बहने लगेगा साउथ पैसिफिक ओशन की तरफ और इसीलिए आप यहाँ पर पैटर्न देखेंगे आप यहाँ पर पैटर्न देखेंगे कि यह जो हवा है ये हवा इस साइड बहने जा रहा है है ना ठीक है चलिए ये चीज आपको दिख रही है हाँ देखिए ये आपको पैसिफिक ओशन दिख रहा है ये है आपको साउथ पैसिफिक ओशियन साउथ पैसिफिक ओशन पर जनरली हाई प्रेशर क्रिएट होता है और इंडियन ओशन पर जनरली लो प्रेशर क्रिएट होता है जिसके वजह से हवा इस साइड बहती है लेकिन सर्टेन ईयर्स कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि इस साइड साउथ पैसिफिक ओशन की तरफ लो प्रेशर क्रिएट होता है और इंडियन ओशन की तरफ हाई प्रेशर क्रिएट होता है और जो हवा है वो रिवर्स होने लगती है ठीक रिवर्सल होने शुरू हो जाती है आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी ठीक है <coughs> तो ये जो प्रियडिक चेंज है मतलब ये जो रिवर्स हुआ ये जो रिवर्सल हुआ ठीक है प्रेशर कंडीशन में इसी रिवर्सल को हम कहते हैं साउदर्न ओसिलेशन क्या कहते हैं इसको हम साउदर्न ओसीलेशन साउदर्न ओसिलेशन में क्या हुआ कि जो आपके ये ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलिया के बाद जो आपका साउथ पैसिफिक ओशन है वहाँ पर जनरली हाई प्रेशर क्रिएट होता है और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में जो आपका इंडियन ओशन है यहाँ पर जनरली लो प्रेशर रहता है ये नॉर्मल सिचुएशन है लेकिन साउदर्न ऑसिलेशन में क्या होता है मतलब कुछ साल ऐसे भी होते हैं जिसमें ये चीज़ें रिवर्स हो जाती है मतलब इधर जो साउथ पैसिफिक ओशन है इधर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और इधर इंडियन ओशन में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है ठीक तो चीज़ें उल्टी हो गई इसी को हम कहते हैं साउदर्न ऑसिलेशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल वॉट इज साउदन ओसिलेशन कुछ नहीं बस चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ प्रेशर प्रेशर डिफरेंस में चेंजेस हो गया तो इस डिफरेंस को ये जो डिफरेंस uh, है प्रेशर uh, का कि कहीं पर हाई कहीं पर लो इस डिफरेंस को जब आप मेज़र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मानसून की इंटेंसिटी क्या है मतलब मानसून जल्दी आएगा टाइम से आएगा या देर से आएगा ठीक है तो अगर ये जो डिफरेंस है अब डिफरेंस के लिए हमने दो जगह लिया है एक ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में आपको यहाँ नॉर्थ वाले साइड में डार्विन नाम का जगह मिलेगा ठीक है प्रिसाइजली इसको हम इंडियन ओशियन का प्रेशर नापने के लिए यूज़ करते हैं इस पॉइंट को और पैसिफिक ओशियन का प्रेशर नापने के लिए हम तहीती आइलैंड को यूज़ करते हैं ये फ्रेंच पॉलीनीशिया में यानी कि साउदर्न पैसिफिक ओशियन में 149 डिग्री लॉन्गीट्यूड सॉरी 149 डिग्री लॉन्गी और 18 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड पर आपको मिल जाएगा तहीती ठीक फ्रेंच पॉलिनीशिया में तो डिफरेंस नापने के लिए हम तहीती और डार्विन का यूज़ करते हैं अगर प्रेशर डिफरेंस निगेटिव आता है तो मतलब मॉनसून लेट से आएगा अगर प्रेशर डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो मतलब मॉनसून डिफरेंस मॉनसून जल्दी आएगा और अगर न्यूट्रल रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं uh, कि मॉनसून जो है अपने टाइम से आएगा ठीक अब इसी साउदन ओशन के साथ साथ एक और इफ़ेक्ट होता है एलिनो देखिए एलिनो को अभी आपको एक डिफाइंड uh, वे में नहीं समझना है बस आप इतना समझ लीजिए कि एलिनो होता क्या है कि जनरली ये आपको इंडिया हो गया यहाँ हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया और इस साइड है आपको मान लीजिए साउदर्न अमेरिका और ऊपर में आपको नॉर्थ अमेरिका तो साउदर्न अमेरिका में ये जगह जो है ये है पेरू और ये पानी के किनारे है तो इसको हम कहते हैं यहाँ वाले एरिया को पेरूवियन कोस्ट ठीक तो ला नीना के टाइम पर मतलब नॉर्मल ईयर्स में क्या होता है कि ये वाला जो पेरुवियन कोस्ट है यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप रहता है हाई प्रेशर कहने का मतलब वहाँ पर कोल्ड करेंट्स बहता है मतलब ठंडी हवाएं बहती हैं ठीक कोल्ड करेंट्स बहता है आपको पता होना चाहिए ये मान लो कि ये पानी है ये पूरा पानी है तो पानी का नीचे वाला सरफेस कोल्ड होता है और ऊपर वाला सरफेस हॉट होत होता है ठीक अब देखो यहाँ पर पेरुवियन कोस्ट में जनरली लो कोल्ड क्या बोलते हैं हाई प्रेशर डेवलप रहता है खैर अगर ये भी ना समझ में आए तो आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि ला नीना के टाइम पर मतलब नॉर्मल ईयर में जो पानी का फ्लो है वो इधर पेरुवियन कोस्ट से इधर ऑस्ट्रेलिया के तरफ होता है मतलब इंडियन ओशन की तरफ जो कि मैंने अभी आपको समझाया है ना आ, क्या हमने पढ़ा कि इधर जो साउदन पैसिफिक ओशन है वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट रहता है और इधर लो प्रेशर इंडियन ओशन में तो जनरली हवा जो है पानी को लेकर किधर की तरफ मूव करेगा इधर इंडियन ओशन की तरफ है ना लेकिन यही क्या होता है कि एल नीनो इफ़ेक्ट यहाँ पर अक्र होता है पेवियन कोस्ट जो है आपका पेरूवियन कोस्ट वो आपका क्या होने लगता है गर्म हो जाता है क्या हो जाता है गर्म हो जाता है कभी कभार लगभग दो से पाँच साल में गर्म हो जाता है वो वहाँ पर आपको आ जाता है वार्म मोशन करंट कैसे आता है वो भी मैं आपको डिफाइन करूंगा अभी थोड़ी देर में और यही जो है मैंने आपको बताया साउदर्न ओशियन में क्या होता है साउदर्न ओसिलेशन में क्या होता है कि ये जो यहाँ हाई प्रेशर यहाँ लो प्रेशर हो रहा है ये रिवर्स हो जाता है उसी को साउदर्न ओसिलेशन कहते हैं तो इंडियन ओशन हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है और साउथ पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर है ना और पानी जो है आपका हाई से लो की तरफ मूव करने लगता है मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हवा जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में तो अपने साथ पानी को भी उल्टा बहा कर लेकर जाएगा अब इसी चीज़ को मैं आपको जो ये दो से पाँच साल बता रहा है मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक फिगर के हेल्प से ठीक है देखिए ये फिगर जो है वो नेट से डाउनलोडेड है आप भी चाहें तो इसको इंटरनेट पर देख सकते हैं इस फिगर को देखिए क्या होता है कि आप ये पानी मानकर चलिए ये बकेट हो गया आपका बकेट ठीक अब आ, अच्छे से मैं ड्राइंग बना देता हूँ ये कलर अच्छे से शायद नहीं दिख रहा होगा ये येलो कलर अच्छे से दिखेगा आपको चलिए तो क्या होता है कि मान के चलिए कि ये है आपका बकेट ठीक ये बकेट है तो मान के चलिए कि यहाँ तक इसका पानी है तो ऊपर वाला पानी जो है आपका वहां पर वार मोशन करेंट बहता है ऊपर वाले पार्ट में ठीक है कौन सा ओशन करेंट बहता है यहाँ पर वार मतलब गर्म वाला पानी ऊपर होता है और ठंडा वाला जो पानी है आपका आपका जो ठंडा वाला पानी है वो नीचे होता है तो आप याद रखिएगा कि ठंडा पानी नीचे बहेगा और गर्म पानी ऊपर यही चीज़ को दिखाया जा रहा है इसी चीज़ को दिखाया जा रहा है कि यहाँ जो है ठंडा पानी जो है नीचे की तरफ सिंक कर जाता है और ये फ्लोट करता है इधर की तरफ एक चीज़ याद रखिएगा ठंडा पानी इक्वेटर की तरफ आएगा ठीक है और गर्म पानी पोल्स की तरफ जाएगा तो देखिए ठंडा पानी नीचे की तरफ आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है फिर ऊपर की तरफ चला जा रहा है ठीक और गर्म पानी जो है वो क्या हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ आया देखो इधर पैसिफिक ओशन है याद रखिएगा तो नॉर्दन पैसिफिक ओशन से जो ठंडा पानी है वो गर्म होकर ऊपर से नीचे की तरफ आता है साउथ पैसिफिक ओशन की तरफ ठीक है यही रिवर्स हो गया तो देखिए पहले जो हवा पहले जो पानी कोल्ड ओशन करेंट इधर गया वही क्या होता है दो से पाँच साल मतलब इसको जो पहुंचने में इधर से इधर से इतना टाइम लगा अब यही जो ठंडा पानी है ये गर्म होकर क्या होने लगेगा इक्वेटर की तरफ से होते हुए इक्वेटर की तरफ से होते हुए चला जाएगा ऊपर पोल्स की तरफ तो यही हो गया आपका वार्म ओशन करेंट जो कि ऊपर की तरफ फ्लो करेगा ऊपर की तरफ देखो इंडियन ओशन से भी वार्म ओशन करेंट आ रहा है है ना और इधर नॉर्थ पैसिफिक से भी और चला जाएगा ऊपर पोल्स की तरफ और ठंडा जो है कोल्ड ओशन करेंट इधर पोल्स से आ रहा है एक पार्ट इंडियन ओशन की तरफ चला जाता है और एक पार्ट चला जाएगा साउथ से होते हुए नॉर्थ पैसिफिक ओशन में तो ये पिक्चर था जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है प्रेशर कंडीशन को जहाँ पर गर्म पानी वहाँ पर लो प्रेशर जहाँ पर ठंडा पानी वहां पर हाई प्रेशर ठीक चलिए अब आई होप आपको वाटर का मूवमेंट अच्छे से दिख गया होगा और दिस इज व्हाट वी नो एस एल नी नो अगर इतना भी नहीं समझ में आया हो तो बस माइंड में इतना रखिएगा आप माइंड में इतना रखिएगा साउदर्न ऑसिलेशन का कि ऑस्ट्रेलिया का आप डायरेक्शन डिवाइड कर दीजिएगा इधर ईस्ट और इधर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है साउथ पैसिफिक ओशन वेस्ट में है इंडियन ओशन साउथ पैसिफिक ओशन में नॉर्मली हाई प्रेशर रहता है इंडियन ओशन में लो प्रेशर रहता है ये हो गया नॉर्मल कंडीशन लेकिन कुछ साल ऐसा आता है जहाँ पर इंडियन ओशन पे हाई प्रेशर जनरेट होता है और साउथ पैसिफिक पे लो प्रेशर जनरेट होता है और ये जो रिवर्सल हुआ इसी को साउदर्न ऑसिलेशन कहते हैं एल नीनो क्या है कि एल नीनो इधर आपका साउथ अमेरिका है यहाँ पर पेरू है और पेरू का ये जो पेरुवियन कोस्ट है तो यहाँ पर पहले जब ठंडा पानी बहता था यानी कि पहले जब हाई प्रेशर रहता था ठंडा पानी बहता था वही अब चेंज हो गया किसके साथ साउदर्न ऑसिलेशन के साथ साउदर्न ऑसिलेशन साथ. में क्या हुआ कि इधर लो प्रेशर डेवलप हो गया ना तो लो प्रेशर कब डेवलप होता है जब चीज़ें कोई गर्म होती है और गर्म होगा वहाँ से हवा ऊपर चला जाएगा है ना तो ये एरिया गर्म हो गया तो जो ठंडा यहाँ पर पेरुवियन कोस्ट था वो अब वार्म ओशन करेंट में डेवलप हो गया ठीक है तो दोनों चीजें साथ साथ हुई साउदन ओशन और एल नीनो दोनों आपस में जुड़ गया इसीलिए हम इसको कहते हैं एनसो मिलाकर क्या बोलते हैं एनसो यानी कि एल नीनो साउदन ओसिलेशन आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा और ये एल नीनो का जो फेनोमेना है ये हर दो से पाँच साल में होता है अब आई डोंट थिंक ये एल नीनो आपको समझाने का है ज़रूरत है लेकिन फिर भी क्योंकि अब ये कोर्स का पार्ट है तो समझाना ही पड़ेगा एलीनो है क्या एलीनो बस एक नाम है ये नाम किस चीज़ का है ये डेवलपमेंट का नाम है ये जो चेंजेस आता है ओशन करेंट में कैसा चेंजेस कि नॉर्मली पेरूवियन कोस्ट पर कोल्ड पेरूवियन करेंट बहता है कोल्ड ओशन करेंट बहता है ठीक है और यही जो है कुछ ऐसा टाइम आता है दो से पाँच साल में जब यहाँ पर कोल्ड के जगह मोशन करेंट बहने लगता है जो कि मैंने आपको दिखाया मोशन करेंट देखिए कोल्ड वाला था वहाँ पर है ना ऐसे बहकर पानी वाला मूवमेंट दिखाया था आपको यही दो से पाँच साल में डेवलप होकर गर्म होकर बहने लगता है वापस जो मैंने आपको दिखाया है ना एनी तो यही कोल्ड पेरूवियन करेंट जो है वार्म ओशन करेंट में डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं एलनिनो एलनो स्पेनिश वर्ड है इसका मतलब होता है चाइल्ड बच्चा बेबी क्राइस्ट क्योंकि ये क्रिसमस के टाइम पर जनरली होता है इसलिए इसको बेबी क्राइस्ट या फिर एलनिनो नाम दिया गया है ठीक है अब इससे क्या होता है सरफ सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है मैंने तो आपको बताया ही कि वार्म वार्मोशन करेंट जो है पानी के सरफेस पर रहेगा और कोल्ड एशन करेंट जो है वो पानी के श्रिंकिंग पार्ट पर मतलब पानी के नीचे रहेगा है ना तो दिस इज़ ऑल अबाउट एल्नो एनसो सावधनोसिलेशन आई टी सी जेड and the mechanism of monsoon and the Indian monsoon. So everything is now clear to you all. Next topic जो होगा हमारा onset of the monsoon होगा onset of the monsoon and withdrawal इसी के साथ हम पढ़ेंगे हमारा next part seasons वगैरह ठीक है और chapter को complete करेंगे chapter आपको काफ़ी detail में मैं पढ़ा मैंने पढ़ाया है तो आई डोंट थिंक आपको दिक्कत होनी चाहिए लेकिन फिर भी स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कॉमेंट कीजिएगा आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो